केजरीवाल खिलाफ दूजी शिकायत दर्ज की है। 8 समना तो बाद भी ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए। लगातार 8 समन भेजे गए, केजरीवाल पेश नहीं हुए। 16 मार्च राउज एवेन्यू अदालत ने पेश होने के हुक्म दिए ने। ईडी दे वल्लों दूसरी शिकायत केजरीवाल के खिलाफ दिती गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विच पहुंची सी ईडी, जबकि केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने कितने भी हस्ताक्षर नहीं है। सहयोगी अरविंद सिंह साडे नाल फोन लाइन से जुड़ चुके हैं, गलबात करते हैं, डिटेल चाहेंगे। देखिए, इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी की नई शिकायत है उस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए समन जारी किया है। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा। ये ईडी की तरफ से नई शिकायत दायर की गई थी। इससे पहले जो शिकायत दायर की गई थी ईडी की तरफ से, वो पहले 3 समन पर उनकी पेशी न होने के चलते दायर की गई थी। इसके बाद भी जब अरविंद केजरीवाल दूसरे समन पर भी पेश नहीं हुए, तो समन नंबर 4 से लेकर समन नंबर 8 तक, क्योंकि 14 जनवरी से लेकर 4 मार्च के बीच जारी किए गए थे, उन पर भी पेशी न होने के चलते ईडी ने एक नई शिकायत को दायर की। उसके बाद आज कोर्ट ने इस पर भी पेशी के लिए समन जारी किया है। 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी। ईडी का ये कहना है कि वो इस मामले में अरविंद केजरीवाल से तहकीकात करना चाहती है, उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसके सामने पेश नहीं हो रहे हैं। जब पिछली शिकायत दायर की गई थी ईडी की तरफ से, तब अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि चूंकि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में वो व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते। कि होने फिजिकल कोर्ट दे विच पेश होने दे हुकम ने, जहां फिर ईडी दे कोल पेश होने दे हुकम देते गए ने। अभी जो समन जारी किया गया है उसके मुताबिक उनको कोर्ट में पेश होना है, व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है। पहले जो शिकायत दायर की गई थी उसमें भी अरविंद केजरीवाल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, तो उन्होंने कोर्ट को एश्योर किया था कि जब अगली सुनवाई होगी 16 मार्च को, तो वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होंगे। तो इस नई शिकायत पर भी कोर्ट ने वही तारीख दी है, तो 16 मार्च जे अरविंद केजरीवाल कोर्ट के विच पेश नहीं होंगे 16 मार्च नूं, तां किस तरह की कार्रवाई है जड़ी अदालत वालों की जा सकती है? देखिए, अगर वो पेश नहीं होते व्यक्तिगत रूप से, हालांकि वो कोर्ट को एश्योर कर चुके हैं पहली शिकायत पर कि वो पेश होंगे कोर्ट में, तो ऐसे में ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो क्या एक्शन लेता है। हो सकता है कि अगर कोर्ट अरविंद केजरीवाल की सफाई से संतुष्ट नहीं होता, अरविंद केजरीवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं होता, तो ऐसी सूरत में अगर चाहे कोर्ट तो जमानती वारंट भी जारी कर सकता है, बेलेबल वारंट भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी किया जा सकता है। और ये भी अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प बचता है कि अगर वो फिजिकली पेश नहीं होते हैं कोर्ट में, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश होकर के कोर्ट को बता सकते हैं कि आखिर किस वजह से वो फिजिकली पेश नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दोनों ही शिकायत पर अब उनको 16 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा।